आइए मिस्टर अमीर। कैसे यहाँ सो? मिस्टर अमीर, अचानक कैसे आना हुआ? मेरी चौंकाने की आदत के बिना मैं रह नहीं सकता। चाहो तो कभी आपको भी चौंका सकता हूँ। Have a nice day. मुझे माफ करना। किस चीज के लिए माफी मांग रहे हैं मिस्टर कमाल? तुमसे नहीं कहा। वाह, ऑफिस तो बहुत बढ़िया है। वैसे निहान दिखाई नहीं दे रही। हाँ, वो अभी अभी गई है। तुम चुप गए। ओ, कोई बात नहीं, वैसे भी वो मेरा इंतजार नहीं करती। मैं मिसेस निहान को मना रहा था, तुमसे शायद थोड़ी हेल्प मिल जाती। किस बारे में? पेंटिंग्स के बारे में। सोच रहा था कंपनी के लिए कुछ बनवा लूं, पर मिसेस निहान मानी ही नहीं। काफी बिजी चल रही है वो। हाँ, ये बात तो सही है, उससे वक्त निकाल पाना मुश्किल है। ये सब छोड़ो, मेरी कॉफी कहाँ है? मैं मेहमान हूँ, थोड़ी मेहमान नवाजी नहीं करोगे? बताइए कैसी कॉफी पसंद है? सबसे बेहतरीन वाली। वैसे हमारे प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलने आए थे क्या? कुछ सोचा क्या उस बारे में? सोचा तो मैंने बहुत कुछ है मिस्टर कमाल। आप बस इस प्रोजेक्ट को नैतिकता के नजरिए से देख रहे हो। मुझे सच में लगता है कि मेरे डिसीजन से आपको काफी दुख हुआ है और आप उनसे बदला लेना चाहते हो, या फिर जाने अनजाने में मैंने आपको कोई चोट पहुंचा दी हो। किस चोट के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, तुम गांव वालों का भला सोच रहे हो और मैं बिजनेस का। इसी टॉपिक पर हम दोनों के बीच में कुछ टकराव है, शायद यही वो चोट है। खैर, ये सब बातें छोड़ो, काम की बात पे आता हूं। मैं यहां बस तुम्हें यही बताने आया था कि मैं तुम्हारी शर्तें मानने को तैयार हूं। जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। इस प्रोजेक्ट का काम तुम्हारे हिसाब से होगा। क्यों, अब तो खुश हो ना तुम? बिल्कुल खुश हूं। चलो, एक तरह से देखा जाए तो गांव वालों को दुखी करके तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। देखो, बिजनेस करना है तो उसमें कुछ नियम पालने ही पड़ते हैं। तुम्हारा मन आखिर बदला कैसे? मैं समझा नहीं, कहीं इसके पीछे कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो सोचा कि हर बात पर अगर हमारे बीच टकराव होता रहेगा तो प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा।
लगता है तुम यहां थक गए हो। थकता तो मैं कभी नहीं हूं। ये तुम्हारी फैमिली है? हाँ। सब कितने खुश हैं? ये खुशी बरकरार रहनी चाहिए। बाल बनाओ या दाढ़ी? मुझे लगता है पहले बाल काट लेने चाहिए। ठीक है, जैसे आप कहें। यहां क्या पहली बार आ रहे हैं? पहली बार देखा आपको? नहीं तो रास्ते में दुकान दिखी और मैं आ गया। अच्छा, यहां पर आप और आपका बेटा काम करते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ये मेरा बड़ा बेटा है तारिक, बहुत अच्छा काम करता है। क्या बात है, और कोई बेटा है आपके? हाँ एक बेटा और है, केमाल। केमाल, तो आप उसे भी ये सिखाएंगे क्या? नहीं, वो इंजीनियर है, दूसरी जगह काम करता है। पहले बस खदान में काम करता था, अब वो मालिक हो गया है। और मुझे देखो, मैं अभी भी यहीं पर काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छा काम करते हो तारिक, तुम्हारी तरह किसी दूसरे का हाथ नहीं चलता। हाँ हाँ, सिर्फ मैं ही कर पाता हूँ, बाकी सब तो नालायक है ना आपके लिए पापा। बाप कुछ भी कर ले, बच्चों को शिकायत रहती ही है। ओ सीमा, ये जगह इतनी सुंदर है कि तुम देखती रह जाओगी। मैं बाकी जितनी भी जगह गई हूं ना, वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, सुनो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बाद में बताती हूँ सब कुछ, बाय। बाय। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लगता है ऑडिशन अच्छा गया। थैंक यू सो मच। अजीब बात है, आप और निहान एक दूसरे को पहले से जानती हैं और मैंने आपको कभी देखा नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है, अब क्योंकि मैं और निहान अब मतलब कभी कभी ही मिल पाते हैं, हम इतना मिलना नहीं होता हमारा। पर अब तो मेरी आपसे कभी कभी नहीं बल्कि रोज मुलाकात होगी। हाँ, मेरा कहने का मतलब है टीवी पर एज एन एक्ट्रेस। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आप थोड़ी जल्दी में लग रही हैं। दरअसल मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। ठीक है, दोबारा जल्दी मुलाकात होगी। आपसे मिलके अच्छा लगा। मुझे भी, चलो चलती हूँ। ओसान सीजियान, ये इसका पूरा नाम है। हेलो फाती, क्या तुम मुझे जैनब का नंबर दे सकती हो? हाँ ठीक है। आज पता नहीं मैं क्यों इतना ज्यादा खुश हूँ, शायद किसी से मिलने की खुशी है। आसानी से खुश नहीं होती। वेलकम मिस्टर एमिर, प्लीज इस तरफ।
मैं तो बस थोड़ी सी मदद मांग रहा हूं। तुम्हारे लिए किसी लड़की को मनाना बहुत आसान बात है। सही है, पर मेरी लड़कियां एक रात के लिए ही आती हैं। शायद दो, पर उससे ज्यादा नहीं। उसका कोई परिवार नहीं होना चाहिए, ना ही कोई दोस्त। मैं नहीं चाहता हूं कि उसके गायब हो जाने के बाद लोग कोई बखेड़ा खड़ा करें। कुछ और? अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो मुझसे कह दो, मैं कोई और अरेंजमेंट कर लेता हूं। देखो, काम तो है थोड़ा सा टेढ़ा, लेकिन अगर तुमने कर दिया तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कितना दे रहे हैं? इतना काफी है। अब मैं खुश हूं। पहले काम को पूरा करो, फिर मैं रात के खत्म होते ही इस पर साइन कर दूंगा। जुल्दान घर पर हैं? जी हाँ सर। घर को वैसे ही सजाओ जैसा मैंने बताया था, मेरे आने तक घर तैयार हो जाना चाहिए। जी। क्या आज तुम ऑफिस गए थे? नहीं, नहीं गया था। फिर क्या किया तुमने? तुम्हारी बात हुई उससे? हाँ, बात तो हुई। लगता है उसे मैसेज मिल गया है। ठीक है, सब जगह काफी भीड़ है। समझ में नहीं आता इस शहर में इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है। सांस लेना मुश्किल हो गया है। तुम उससे फिर से मिली? मैंने तुम्हें कहा था कि मत मिलो, फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहती। तुम उससे मिलने की जिद करती रहती हो। अगर वो मिलना नहीं चाहती तो इतने करीब क्यों रहती है? ये तो मेरी अच्छाई है कि मैंने उसे बाहर रहने दिया है। वो मेरे डैड का घर है, मैं जब चाहूं उससे वापस ले सकती हूं। वो मेरी मेहरबानी से वहां रह रही है। वाह, क्या अच्छाई है तुम्हारी। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ। कितने प्यारे हो तुम, जरा देखो तो। तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? कैच 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 कैच। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
आ जाओ। आ जाओ इधर दो मुझे दो। मुझे दो बेटा। कितने अच्छे हो तुम, प्यारे से कितने प्यारे हो तुम। आपके प्यारे बेटे ने फिर कुछ कर दिया और आपने वो बात मान भी ली। मैं भी ये कर सकता था पापा, पर आपको तो लगता ही है ना कि मेरा हक नहीं है, कोई हमारी परवाही नहीं करता है। आप बताइए ना पापा, क्या बात है? वो बिना मतलब नाराज हो रहा है, दरअसल ये परिवार के बीच की बात है इसलिए थोड़ा सा। हाँ कोई बात नहीं, ये सब होता ही रहता है। थैंक यू दोस्त, मिलकर अच्छा लगा तुमसे। वेलकम, उम्मीद है आप फिर से आएंगे। अंदर आ सकता हूं? क्या हुआ? मुझे पता है तुम नाराज हो, पर मैं तुमसे माफी लेकर रहूंगा। महसूस जल्दी आ जाएगा, फिर साथ चलेंगे। जी डैड। कमाल, क्या तुम जल्दी से दुकान पर आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है? अगर बिजी हो तो घर पे बात करेंगे। नहीं, मैं बस वो शूट पे जा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने आपको सुबह में बताया था ना, बस वही है। ठीक है, घर पर मिलते हैं फिर। ठीक है डैड, ठीक है, घर पे मिलते हैं, मिलकर बात करते हैं। डैड, मेरा भाई कहाँ है? आज वो जल्दी चला गया, उसका मन नहीं लग रहा था। ऐसा क्या हो गया? अब तुम ही फैसला करो कि जो हुआ वो अच्छा हुआ या नहीं। आप इसे खुश नहीं है क्या? मैं तो बस हेल्प करना चाहता था, भाई को बस थोड़ा सा मैं सहारा देना चाहता था। तुम्हारा इरादा तो नेक था, पर सच तो ये है कि तुमने उसका दिल दुखाया है। पता है क्या है ये? दुकान की पहली कमाई? दुकान की नहीं, ये तुम्हारे भाई की पहली कमाई है। तुमने मुझसे उसके लिए एक मौका मांगा था, मुझे तब भी पता था कि वो कैसा है, सही या गलत। उसका तरीका हम दोनों को अच्छी तरह से पता था। तुमने मुझसे तो मौका मांगा, पर उसे कभी तुमने मौका नहीं दिया। कोई बता सकता है कि इसका मतलब क्या है? हाँ, कितनी बोरिंग क्लासरूम है, बोलते क्यों नहीं हो? बोलती बंद हो गई क्या? मैं बताता हूं, इसका मतलब है कि कोई और भी जानता है कि तुम्हारा बेटा खूनी है।
और मैं पिछले 5 साल से इसके लिए पैसे देते आ रहा हूं ताकि तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहे। और तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ? कौन सी ऐसी चीज की जो मेरे लिए अच्छी हो? कुछ नहीं। क्या तुम बता सकते हो कि आखिर ये पेंटिंग किस फाउंडेशन को दी गई थी? ये याद करना नामुमकिन है एमिर, बिल्कुल भी याद नहीं। नामुमकिन है क्योंकि पेंटिंग कभी किसी को दी ही नहीं गई। और मिस्टर रॉन्डेल, अगर कोई खास बात कर रहे थे तो मेरे साथ भी शेयर कीजिए। आप दोनों मुझे लिखकर बताएंगे कि आप केमाल को कैसे जानते हैं, वरना मुझे ओजान की ये सारी की सारी सच्चाई पुलिस को मजबूरन बतानी होगी। अगर अपने बच्चों से भी ये बात शेयर की तो अंजाम वही होगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। एमिर, बोलने में वक्त मत गवाओ, लिखो वरना मैं गोली मार दूंगा। तुमने थोड़ी ज्यादा पी ली है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अच्छा, क्यों नहीं, चलो ना। सब ठीक है ना? बहुत देर हो गई है, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक होगा। तुम अपने पैसे लेना और निकल जाना, बस इतनी सी बात है। मैंने कहा ना, ये सिर्फ एक खेल है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्या तुम्हें खेल खेलना है? क्या कर रही हो तुम? ये खाली है पागल, मजाक कर रही हूँ मैं। जैसे कि चोर और पुलिस शायद। फिर तो तुम्हें मुझसे भागना चाहिए। कहाँ है वो लोग? अंदर है, काम हो गया है, अब पैसे मिलेंगे। थोड़ा सब्र करो, काम हो गया। अमीर, मैंने उसे मार दिया, मैंने मार दिया इस लड़की को। अमीर, मैंने मार दिया, अमीर, मैंने इसको मार दिया, मैंने मार दिया इसको। अमीर कहाँ हो? अमीर, अमीर, मैंने इसको मार दिया इसको।
मार दिया, मैंने मार दिया इसको, मार दिया। इसने मुझसे कहा ये असली नहीं है, पर मैंने इसको मार दिया। खेल तो अभी शुरू हुआ है। मैंने मार दिया इसको। मैंने लड़की को मार दिया, मैंने मार दिया इसे, मैंने मार दिया, मैंने मार दिया, शांत हो जाओ, मैंने मार दिया इसको, मार दिया। मैं गोली हूँ, गोली हूँ मैं, ये बताओ अब क्या होगा? ये शांत हो जाएगा। पर मैं नहीं जब तक ये काम पूरा ना हो जाए। सब रेडी है क्या? आप रेडी हैं मिस्टर कैमल? बिल्कुल। साथ बस बिजनेस पर्पस से हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, हम दोनों के रास्ते एक दूसरे से बेहद अलग हैं। ये सच है कि मैं रेस में बहुत देर से आया हूं, पर मैं इस रेस में कितनी दूर तक जाऊंगा ये बात कोई नहीं बता सकता। आप कहते हैं कि आप अमीर नहीं हैं, पर आपकी आंखों में हम एक कामयाब इंसान की झलक देख सकते हैं। फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप जो शब्द कह रहे हैं वो किसी सफल व्यापारी के शब्द जान पड़ते हैं। अल्टीमेटम्स और कुछ भी, तुमने कभी अपने भाई को मौका नहीं दिया। तुम हमारी सारी यादों को भूल गए हो केमान। तुम में और एमिर में कोई फर्क नहीं रह गया है केमान। क्या मैं अपनी दाई निकाल सकता हूँ प्लीज? सर, Thank you.
मैं अमीर खानदान में पैदा नहीं हुआ था, मैं बस एक नाई का बेटा हूँ और मैंने सब कुछ उनसे ही सीखा है। मैं बस माइन में काम करने वाला एक बहुत ही साधारण सा इंसान था। मैंने जिंदगी में बहुत तकलीफ झेली है। मैं अपने परिवार के साथ आगे बढ़ा हूं और मेरे लिए सब इंसान एक समान है। देखिए मैम, सभी के जीवन में अच्छे और बुरे दिन आते ही हैं। आप मुझे एम्बिशियस कह रही हैं, मतलब मैं कहीं चूक रहा हूं, पर गलतियां तो सब करते हैं और अगर मैंने कहीं कोई गलती कर भी दी हो तो उसकी भरपाई करने के लिए भी तैयार रहूंगा, हमेशा रहूंगा, पर अपनी गलतियों से डरूंगा नहीं। मैंने अपनों का दिल दुखाया है, और इस बात के लिए मुझे बेहद अफसोस भी है, और इसीलिए मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। सब तो सही है, वो आ रहे हैं? बस आने वाले सब। ये तो अच्छी बात है। और वो भी निकला है प्रोग्राम से, अपनी गाड़ी में है और यनिकॉय की तरफ आ रहा है। हम उस पर नजर रख रहे हैं सर, ये देखिए। पहले ये खेल खत्म करते हैं, फिर उस पर नजर रखेंगे, इसमें काफी मजा आएगा। जब आपने अपनों से माफी मांगी थी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताना चाहता था, इंसान शायद अपनी भावनाओं में बहकर ये सब कर पाता है। सर अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं, आपने जिनसे माफी मांगी उन्होंने माफ किया? मैं सुन, घर पे गाड़ी मत रोकना, गाड़ी आगे ले चलो। ठीक है सर, मुझे किसी से मिलना है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। केमल खुद को पता नहीं कुछ ज्यादा ही समझने लगा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। उसने हमारा इतना मजाक बना के रख दिया है, इतना बुरा मैंने कभी महसूस किया है याद नहीं मुझे। ओंडर, मैं सच कह रही हूँ, ओजान के बारे में कोई और भी है जो जानता है। ये हो कैसे सकता है? लेकिन हम जो जानते थे हमने सब कुछ डिलीट कर दिया, ये हो कैसे सकता है? मुझे पता नहीं कि ये कैसे हो रहा है, पर हमें कोई धमका रहा है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये खतरनाक है या एमिर। एमिर को तो हम निहान की मदद से समझा सकते हैं, शायद उससे बात करे तो वो कुछ बातें समझ जाए। क्या समाधान निकाला है तुमने इस बात का? इसीलिए हम अपनी जिंदगी अमीर को तो नहीं दे सकते ना, अब हमारी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। नहीं खबरदार, तुम गालिब को कॉल नहीं करोगे। हमारे पास और कोई चारा तो नहीं है। मुझे तुमसे बेटों के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? ओके ठीक है। क्या वो आ गया है? ये सर आ गया है।
वेलकम। तुम्हारे जैसे आदमी की ही जरूरत थी मुझे। मुझे कुछ बात करनी है। तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आज भी तुम वैसे ही हो। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद मेरी अमीर से बात हुई। तुम्हें फोन करके आना चाहिए था, पर तुम ऐसे ही आ गए। मुझे लगा तुम फोन नहीं उठाओगी, इसीलिए मैं खुद ही चला आया। एमिर से कहा है कि कुछ काम दिया है तुम्हें, ताकि वो तुम पर शक ना करे। मुझे बचाने के लिए? मुझे उसे कुछ तो बताना ही पड़ता ना। वो क्या है? मैंने उसे कहा कि ऑफिस के लिए कुछ पेंटिंग्स चाहिए। ये आइडिया इतना बुरा नहीं है, मुझ पे गुस्सा मत हो जाना। बोलो तुम क्या बोल रहे थे, बोलो। उसने तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया? हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? तुम बताओ, तुम ही उसके साथ पिछले 5 सालों से हो। यहां आकर सीधे ताना दे रहे हो? लगता है काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। एमिर के साथ मेरा रिश्ता काम तक है। तुम्हें बहुत दुख दिया, मुझे माफ करना। मेरा ऐसा इरादा नहीं था, और अब मैं तुमसे दूर रहूंगा। बस यही कहना था, जो हो गया सो हो गया। आगे से मैं ये नहीं चाहता कि
हम में से किसी को भी तकलीफ पहुंचे। गुड बाय।